स्टार्टेड विद SST रिविजन एंड मैं SST में इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिख रही थी ऑफ जोग्राफी एंड आई रिवाइज अ लॉट ऑफ जोग्राफी टुडे, बट इसका मैं वन शॉट देख रही थी तो मेरा एक ही पार्ट ख़त्म हो पाया, नॉट द बोथ द पार्ट्स। तो हाँ, आई वॉज जस्ट नोटिंग डाउन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पेपर में आ सकते हैं, एंड आई होप अगर तुम भी अगर ऐसी कोई वीडियो देख रहे हो तो तुम भी वो नोट डाउन करो, क्योंकि इससे तुम्हारे पेपर के टाइम पे बहुत हेल्प मिल जाएगी और तुम्हें पता चल जाएगा कि ये तो पढ़ के जाना ही जाना है, क्योंकि वी कैन स्टडी अ होल बुक वन डे बिफोर एग्ज़ाम। तो आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस जोग्राफी वर्क आई वेंट टू हैव माई डिनर एंड देन आई स्लेप्ट, क्योंकि आई हैड टू वेकअप अर्ली द नेक्स्ट डे, क्योंकि मेरे फ्रेंच का बोर्ड भी है 2-3 दिन बाद, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। सो इन डिनर आई हैड सम पाव भाजी विच माई मॉम मेड, एंड ये मम्मी ने इतनी टेस्टी बनाई थी, उसको खा के मज़ा ही आ गया। इट वॉज़ लाइक द लास्ट पार्टी बिफोर बोर्ड्स, तो बोर्ड्स के बाद ही पार्टी होगी सीधा जैसे पेपर ख़त्म होंगे। तो हाँ, आई हैड दिस एंड देन आई वेंट टू स्लीप। तो दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड दिस इज़ आफ्टर 6 PM इन द मॉर्निंग। आई डिडंट रिकॉर्ड एनीथिंग क्योंकि आई वॉज जस्ट डूइंग फ्रेंड्स एंड ऑल, एंड मैं अभी मैथ्स कर रही थी, उसके बाद मैं 4 बजे से मैथ्स करने लगी एंड इट वॉज़ लाइक 6 PM समथिंग। तो हाँ, मैथ्स का मेरा बहुत सारा रिविजन मैंने कर लिया है, एक आध चैप्टर का, प्लस कुछ चैप्टर का मैं Super 30 कर रही थी, तो हाँ दैट ऑल्सो केम इन वेरी हैंडी। Super 30 इज़ लाइक क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द बुक्स एंड ऑल द टॉपिक्स टू हैव अ वेरी गुड रिविजन ऑफ द चैप्टर, अगर तुम पे पूरी बुक रिवाइज करने का टाइम नहीं है तो। उसके बाद आई वॉज जस्ट गेटिंग रेडी टू स्टडी समथिंग एल्स एंड आई वॉज ऑर्गेनाइजिंग। तो मैंने थोड़ी सी ब्रेक ले ली बीच में क्योंकि आई वॉज क्वाइट टायर्ड, एंड उसके बाद अब बज रहे थे 7 ऑलमोस्ट इन 10 मिनट्स। एंड दीज आर द Super 30 क्वेश्चंस विच आई एम टॕकिंग अबाउट। मैं कर रही थी Chapter 3 लीनियर इक्वेशंस के, तो हाँ मेरी बहुत अच्छे से रिविजन हो गया, एंड इससे पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद आई जस्ट रियलाइज कि मेरे टैब की बैटरी बिल्कुल 7% है, तो आई हैव टू पुट इट ऑन चार्जिंग। नाउ लेट मी शो यू द स्टेशनरी जो मेरी मम्मी ने मेरे मंगाई है बोर्ड्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ क्लियर पाउच, ये है वाइट कलर का, इतना सुंदर सा क्लियर पाउच है, मेरे को बहुत अच्छा लगा था, मम्मी ने एक ये मंगा दिया। एंड क्लियर पाउच इसलिए कि बोर्ड्स में लाइक ब्लैक एंड वाइट ऐसा कुछ पाउच नहीं चलता, यू हैव टू टेक अ ट्रांसपेरेंट पाउच, सो आई बॉट दिस विद अ वाइट लाइनिंग साइड में। तो हाँ, इट इज़ लुकिंग सो क्यूट एंड सो एस्थेटिक, ओ माई गॉड आई जस्ट लव इट सो मच। तो दिस वॉज फॉर द पाउच एंड नाउ दिस इज द कार्डबोर्ड विच आई गॉट, ये मेरी मम्मी ने मंगाया था मेरे लिए, आई वॉन्टेड अ ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड एंड ये वाला मेरे को चाहिए था, डिट्टो सेम यही चाहिए था। तो हाँ, इसका जो पेपर पकड़ने का स्टैंड क्लिप होता है वो इट इज़ ऑफ रोज गोल्ड कलर, एंड ये प्लास्टिक है तो इसके टूटने के चांसेस, आई केप्ट इट एंड आई विल टेक इट ड्यूरिंग माई बोर्ड एग्जाम दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम 20th of February। टैब्स बैटरी इज़ क्वाइट लो, मेरे को नहीं पता था कितनी कम हो गई थी इसकी बैटरी, तो मेरे को इसको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा क्योंकि 8 बजे PYGs वाला सेशन भी मेरे को अटेंड करना है। ऑल्सो मेरे को, मैं इंग्लिश कर रही थी मैथ से पहले एंड उससे पहले मैं फ्रेंच कर रही थी, तो हाँ इसलिए मतलब आंसर वगैरह चेक करने के चक्कर में उसकी बैटरी डाउन हो गई, प्लस कुछ कॉन्सेप्ट समझने के चक्कर में, एंड इंग्लिश का मैं पूरा सिलेबस लाइक रिविजन के लिए वीडियो देख रही थी, तो हाँ इसीलिए नाउ आई विल गो एंड पुट इट ऑन चार्जिंग एंड 1 घंटे तक ये हो जाना चाहिए, 50-60% हो जाना चाहिए। तो उसके बाद आई विल स्टडी SST एंड अभी इन द मेन टाइम आई एम गोना अटेंड दैट लेक्चर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ताकि मेरे रिविजन हो जाए वापस। तो वी हैड टू गो आउट एंड आई कुडंट अटेंड दैट लेक्चर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, बट चलो कोई बात नहीं, आके हो जाएगा, वो रिकॉर्ड भी हो जाता है। तो हाँ, हमें मार्केट जाना था टू गेट सम स्टफ, तो दैट इज़ वाई वी आर गोइंग नाउ। तो आने के बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग SST एंड मैं अपना टैब ऑन करी थी, उसको ऑन होने में 10,000 घंटे लग गए, तो हाँ तो ये फाइनली ऑन हो गया एंड अब आई एम गोना अटेंड दिस लेक्चर एंड मैं सारे क्वेश्चंस आई एम गोना अटेम्प्ट देम, एंड मेरे मोस्टली क्वेश्चंस तो सही जा रहे थे इसके MCUs के, तो हाँ बट बीच में ये टैब ही ऑफ हो गया था, मेरे को फ़ोन में अटेंड करनी पड़ी क्योंकि इसकी बैटरी लाइक लिटरली 30% ही चार्ज हुई थी, एंड ये जब मैं इसको पावर सेविंग मोड पर करी थी तो ये बहुत अटक रहा था, हैंग हो रहा था। तो हाँ,
आफ्टर अटेंडिंग द लेक्चर आई एट सम चाउमिन विच मेरी मम्मी ने बनाई थी एंड इट वॉज सो टेस्टी। इट इज़ लाइक लास्ट पार्टी बिफोर बोर्ड्स, क्योंकि अब सिर्फ 2-3 दिन ही रह गए हैं बोर्ड्स में। तो हाँ, उसके बाद आई वेंट अगेन टू माई रूम एंड एज यू कैन सी एक परसेंट बैटरी है इस टैब में। आई एम गोना कीप इट असाइड, मैं इसको चार्जिंग पर लगाऊंगी एंड आई एम गोना स्टडी समथिंग एल्स। तो आफ्टर 1.5 आवर आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक, जो कि शॉर्ट ब्रेक होनी चाहिए थी बट अपेरेंटली वो लॉन्ग ब्रेक हो गई बीच में। तो हाँ, उसके बाद आई केम बैक एंड नाउ आई एम गोना रिवाइज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मेरे को सेकेंड पार्ट देखना है वन शॉट लेक्चर का एंड थोड़ा सा पार्ट मेरा फर्स्ट का रहेगा लाइक लास्ट के 15-20 मिनट। तो हाँ, मैं वो 2x पे करके देखूँगी। एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रही थी, तो फिर मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रही हूँ ताकि मेरे को रिविजन में ईजी हो। एंड लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज आर लाइक जस्ट द की पॉइंट्स ऑफ आंसर फ्रेमिंग एंड की पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर, जिनको देख के एक बार चैप्टर एकदम से वो हो जाए लाइक ब्रीफ आउट हो जाए फटाफट से। तो दिस विल बी क्वाइट हेल्पफुल क्योंकि SST में आ रहे हैं 20 चैप्टर आ रहे हैं, शायद 20 से ज़्यादा ही आ रहे हैं। तो हाँ, उसके लिए कुछ अच्छा चाहिए रिविजन के लिए। एंड ज्योग्राफी इज़ लाइक माई वर्स्ट एनिमी राइट नाउ, इट इज़ माई एनिमी, क्योंकि मैं ज्योग्राफी में नंबर कम हो जाते हैं, लाइक ज़्यादा नहीं बट हाँ थोड़े बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइक कुछ कुछ प्लेसेस होती है ना, उनकी वजह से कम हो जाते हैं। तो हाँ, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प मी रिमेंबर ऑल द प्लेसेस ऑफ ऑल द चैप्टर्स, जो भी है हर चैप्टर का, एग्रीकल्चर, मिनरल रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, डैम्स वाले चैप्टर का, वट एवर देयर इज इन दिस ज्योग्राफी थिंग। तो हाँ, मेरे को आराम से ईजिली रिवाइज करने में हेल्प करेगा एंड यू कैन ऑल्सो मेक इट। तुम लोग क्या कर सकते हो, जैसे अभी तुम्हारे पेपर होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि तुम एक ही सब्जेक्ट लेके बैठोगे, तो तुम यू कैन अलॉट योर डेज टू डिफरेंट सब्जेक्ट एज वेल। ऑब्वियसली इसका पेपर है वो तो तुम्हें करना ही है, बट उसके साथ तुम एक और सब्जेक्ट लेके चल सकते हो, जैसे तुमने मैथ्स ले लिया अगर मैथ्स की रिविजन करनी है तो, या एक दिन साइंस ले लिया, एक दिन SST ले लिया। तो ऐसे ऐसे करके तुम अपना अच्छे से सिलेबस रिवाइज कर सकते हो एंड ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे ही दो, क्योंकि जो तुम्हारा मेन सब्जेक्ट है उसकी भी तुम्हें प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि बोर्ड उसका है। एंड इस रिविजन टेक्निक से तुम पुरानी चीज़ें भी नहीं भूलोगे। तो हाँ, यू कैन अप्लाई दिस। तो आई स्टडीड yesterday till 2 AM एंड उसके बाद आज आई woke up अगेन एट 7 AM। तो हाँ, बिकॉज आई हैव माई फ्रेंड्स का पेपर इन जस्ट 2 डेज, आई हैव टू वर्क सुपर हार्ड टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन फ्रेंच बिकॉज इट इज़ अ वेरी ईजी एंड स्कोरेबल सब्जेक्ट। तो हाँ, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर स्टडी रिलेटेड कॉन्टेंट। बाय।